सर आप अपना नाम बता दें और ये जो बच्चा चोरी की घटना देवा में हुई है उसकी डिटेल। मेरा नाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर शाहजी शेड़के है। मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दीवा चौकी में काम करता हूँ। कल लगभग 1 बजे के आसपास एक होटल में काम करने वाला नौजवान मुमरा देव कॉलोनी में चिकन लेने के लिए गया था, चिकन खरीदने के लिए। तो सडनली सामने से एक ट्रक आया था, उसको जाने के लिए ये नहीं था, रास्ता नहीं था। तो उसने जल्दबाजी में थोड़ा रोड क्रॉस कर दिया, तो एक उसका धक्का लग गया लड़की को। उसकी वजह से वहाँ लोगों का थोड़ा चिल्लाना चालू हो गया कि बच्चा चोर। इसकी वजह से लोगों ने कोई भी तहकीकात नहीं किया और उसको मारपीट करना चालू कर दिया। उसकी वजह से काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई थी, लेकिन मौके पर हमारी पुलिस पहुँच गई, उसको लड़की को इधर लाया गया, उसकी मेडिकल की गई और पूरी छानबीन की गई। उसकी माँ है, उनके साथ लड़की के साथ माँ भी थी। उनको पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने वही बोला जो इस बंदे ने हमको बताया। तो ऐसा कोई मामला अपहरण का, किडनैपिंग का मामला तो नहीं था, लेकिन ये जो अफवाह है, जो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, उस पर जारी है, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसकी वजह से, अफवाह की वजह से उन्होंने उसको मारा है। कितने लोगों को सर इस मामले में हिरासत में लिया गया है और जांच कैसे चल रही है? कल ये गुना बेकानूनी जो जमा होने के बाद, मेडिकल होने के बाद उन पर 324, 143, 147, 149 IPC के तहत गुना दाखिल किया गया है और 4 लोगों को ताबे में लिया गया है। बाकी आरोपियों की खोजबीन चालू है, CCTV कैमरे का हम स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं, बाकी लोगों को ताबे में ले रहे हैं। लोगों को अपील है कि ऐसे अफवाह पर विश्वास न रखें और बेकानूनी काम न करें। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।